नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको आज के जो टॉप गेनर है और जो टॉप लूजर स्टॉक्स हैं, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी तेजी देखने मिला। आज जो हमारा निफ्टी है उसमें देख सकते हैं 1.24% की तेजी, 127 पॉइंट की तेजी देखने मिला, 410,430 पे क्लोज हुआ है हमारा मार्केट निफ्टी। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स हमारा 35,414 देखते हैं 35,414 पे क्लोज हुआ है। आज इसमें कुल 500 पॉइंट्स की तेजी थी, 498 मतलब 5 पॉइंट्स की अप्रॉक्स तेजी थी, 1.43% की तेजी। तो समझ सकते हैं आज मार्केट काफ़ी तेज था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी जो है लगातार ऊपर की ओर चढ़ते गया, मतलब ऊपर की ओर मार्केट में तेजी था आज। तो आज मार्केट जो है हमारा एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो ऐसे में जो आज जो टॉप गेनर रहा और जो टॉप लूजर रहा, चलिए उसको देखते हैं। तो आप भी इसे देख सकते हैं, किसी भी दिन आप मार्केट को यहां से ट्रैक कर सकते हैं। NSE के वेबसाइट पर आना है, यहां से लाइव मार्केट में जाइएगा, यहां से आप जो है टॉप गेनर टॉप लूजर अगर देखना चाहते हैं तो यहां से जाना है, इस पर क्लिक करना है। हम ये इसी पर क्लिक करके यहां पर खोले हुए हैं। फिर यहां 52 वीक हाई जो स्टॉक्स लगा रहा है उसको सर्च करना चाहते हैं तो उस पर यहां पर क्लिक कर सकते हैं। जो वॉल्यूम गेनर है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गेन किया है, उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। या आप यहां से इंडेक्स के सारे स्टॉक्स को देखना चाहते हैं कि इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आज कैसा परफॉर्म किया, तो यहां से इंडेक्स पे कैलकुलेट, इंडेक्स पे क्लिक करके आप इंडेक्स के सारे स्टॉक को देख सकते हैं। या यहां इक्विटी स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आप इक्विटी के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो आज के जो टॉप गेनर है उसमें हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में आज काफ़ी तेजी देखने मिली, देख सकते हैं 6.34%। तो 6% की तेजी था आज एक्सिस बैंक में। और आज एक्सिस बैंक ओपन हुआ था 410 पे, हाई बनाया 437 रुपये का, देख सकते हैं 437 रुपये का हाई बनाया। उस तरह से प्रीवियस क्लोज इसका कितना था, 406 रुपये। तो प्रीवियस क्लोज से ये देखते हैं गैप अप ओपन हुआ था, 406 पर क्लोज हुआ था, 410 पे ओपन हुआ। और इसका जो LTP रहा देख सकते हैं 432 रुपये। उसके बाद दूसरा जो था UPL, इसका LTP प्राइस था 447 रुपये, और ये जो आज का ओपन प्राइस था 430, जबकि कल क्लोज हुआ था 425। तो देख सकते हैं आज मार्केट में इतनी तेज़ी थी कि बहुत सारे स्टॉक्स जो टॉप गेनर्स हैं वो काफ़ी गैप अप के साथ ओपन हुआ था। वहीं लो बनाया 429 का, मतलब जो पिछला दिन का क्लोजिंग था उसके पास भी नहीं पहुँचा ये, और जो आज का हाई था 449 का, अपने हाई के पास ही अपना लगभग ये क्लोज हुआ 447 पे। उसके बाद बजाज फाइनेंस, अभी बजाज फिनसर्व इसमें देखते हैं 5.20% की तेज़ी। तो काफ़ी तेज़ी, बहुत सारे आप चैनल पर देखे होंगे कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये जंक है, मतलब इसे बेच दो। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये इसका जो डोमिनेटिंग बिजनेस है फाइनेंस सेक्टर का ये बहुत ही डोमिनेटिंग बिजनेस करने वाला ये कंपनियां है। तो एक दो केसेस इसमें आते रहते हैं, तो आपको ये इसके सारे फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा और बिजनेस को देखना पड़ेगा। तो जब भी ये मार्केट में रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक सबसे पहले आपको रिकवर होते देखेंगे। और इसका आज देखिए पिछला जो क्लोजिंग डे था वो 5845 था, आज ये देखते लो बनाया 5802 का, लेकिन वहां से ये हाई बनाया 6194 का, और इसका LTP रहा 6148 का। तो देखते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, दोनों आज देखते हैं टॉप गेनर्स में है। वहीं HDFC ये भी टॉप गेनर्स में, ये भी 4.68% की इसमें तेज़ी देखने मिला। ये ओपन हुआ था 1764 पर, और जो पिछला दिन का क्लोजिंग था इसका था 1754 का। तो देख सकते ये भी ओपन हुआ था 10 रुपये के गैप अप के साथ। उसके बाद इसका जो लो बना आज का 1760 का, मतलब अपने प्रीवियस क्लोज के पास से काफ़ी ऊपर, 6 रुपये ऊपर अपना लो बनाया। उसके बाद जो हाई बनाया देख सकते हैं 1844 का। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स ये सारे हैं जो फाइनेंस सेक्टर से है। कहा जाता है कि बजाज फिनसर्व, HDFC, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी तेज़ रिकवरी इसमें देखने आपको मिल रहा है। उसके बाद आता है ITC, ITC में भी काफ़ी तेज़ी आज देखने मिला, देख सकते हैं 4.65% की तेज़ी आज इसमें देखने मिला।
203 रुपया इसका LTP प्राइस रहा क्लोज जिस पे हुआ। उसके बाद ये देखते हैं पिछला दिन जो क्लोज हुआ था 194 पर, और जो आज का हाई बनाया 203 रुपये 85 पैसा, आज का लो बनाया जो पिछला क्लोजिंग था पिछले डे का वहाँ पर। उसके बाद है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज देखते हैं 2949 ये LTP प्राइस रहा इसका, और ये भी 4.17% का तेज़ी इसमें आज देखने मिला, और जो पिछला दिन ये क्लोज हुआ था उससे बहुत ही नीचे अपना लो बनाया। पिछला दिन जो क्लोज हुआ था 2831 का, उसे काफ़ी नीचे लो बनाया, फिर हाई बनाया 2968 का। तो देखते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक जो है उसमें रिकवरी भी उतनी फास्ट होती है, सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आज मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव था तो ये सारे स्टॉक्स जो है जो फाइनेंस सेक्टर से जो कहा जा रहा है काफ़ी अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, तो लेकिन इसमें रिकवरी कितनी फास्ट है अब देखते हैं, एक दिन में 5.5%। उसके बाद इंडसइंड बैंक देखते हैं 492 आज इसका LTP प्राइस रहा, इसमें भी 3.66% की तेज़ी। पिछला दिन जो ये क्लोज था 474 पर, और जो आज का लो बनाया 475 का, मतलब अपने जो पिछले क्लोज है उससे 1 रुपया ऊपर, और 494 हाई बनाया, और देखते हैं 492 अपने हाई के आसपास ही इसका LTP प्राइस रहा। फिर SBI इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने मिला, देखते हैं 3.45% का, पिछला दिन जो क्लोज हुआ था 178 पर, और आज इसका लो भी उसके आसपास बना, लेकिन हाई जो बना 185.40 का, और अपने हाई के पास ही क्लोज हुआ। उसके बाद ICICI बैंक ये 362 इसका LTP प्राइस रहा, और 3.12% की इसमें तेज़ी देखने मिली, और पिछला दिन जो ये क्लोज हुआ था 351.45 ये इसका पिछला डे का क्लोजिंग था, और इसी के आसपास अपना लो बनाया, और जो हाई बनाया 365 का। फिर जी इंटरटेनमेंट देख सकते हैं 175 इसका LTP प्राइस रहा, 2.34% की तेज़ी इसमें भी देखने मिली, जो कि इसमें प्रमोटर्स लगातार अपने शेयर को सेल कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर प्रमोटर्स के प्लेस्ड हैं, तो काफ़ी सारे बैड न्यूज़ है इसमें। उसके बावजूद ये स्टॉक्स देखते हैं जो पिछला क्लोजिंग डे था 171 उससे काफ़ी नीचे अपना लो बनाया, लेकिन हाई जो बनाया 178 का, और अपना क्लोज जो हुआ वहाँ देख सकते हैं अपने 50 मतलब अपने हाई के आसपास। तो ये थे आज के टॉप जो हमारे गेनर्स हैं, और वहीं आप टॉप लूजर्स भी देखते हैं आज के जो टॉप लूजर रहे हमारे मार्केट के। तो ये हमारे टॉप लूजर्स हैं हमारे आज के मार्केट के, NTPC 2.14% का आज इस मतलब इसके प्राइस में फॉल आया। उसके बाद नेस्ले इंडिया देखते हैं 2.06% इतना का फॉल आया, और क्लोज हुआ 16,820 पे। NTPC क्लोज हुआ 93.75 पे, क्योंकि NTPC का जो रिज़ल्ट आया काफ़ी मतलब ख़राब आया था, जिसके कारण इसमें देखते हैं फॉल आया। उसके बाद LT देखते हैं लार्सन एंड टुब्रो, इसमें भी 1.99% की गिरावट देखी गई आज। श्री सीमेंट ये भी 1.96% की गिरावट इसमें देखी गई, इसका जो LTP प्राइस रहा 22,599। उसके बाद सिप्ला इसमें भी गिरावट रहा। फार्मा सेक्टर के जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें अभी करेक्शन देखने मिल रहा है काफ़ी, मतलब क्योंकि पिछले 2-3 महीने से उसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला था, और ये आज का LTP प्राइस रहा 628। उसके बाद ब्रिटेनिया इसमें भी काफ़ी गिरावट देखने मिला 1.71, और इसका LTP प्राइस जो रहा 3,542। और उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें भी 1.64% का गिरावट देखने मिला, इसका LTP प्राइस रहा 502। उसके बाद देखते हैं इंफ्राटेल, इसमें भी 1.22% का गिरावट देखने मिला, ये 218 रुपीज़ के प्राइस LTP प्राइस पर मतलब क्लोज हुआ। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, आज बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिला था, उसके बावजूद देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में 1.14% की गिरावट देखी गई, और इसका जो LTP प्राइस रहा 1,345 रुपीज़ का। और उसके बाद जो सन फार्मा है, देखते हैं फार्मा सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट आया है, सिप्ला में भी गिरावट आया, सन फार्मा, लुपिन, कई सारे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने मिला। उसके बाद यहाँ देखते हैं इसका जो आज का LTP प्राइस रहा 467 रुपीज़ 95 पैसा।
तो ये सारे टॉप लूजर्स थे और टॉप गेनर्स थे। तो अगर आप भी लगातार देखना चाहते हैं कि हमारे मार्केट के टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स कौन है, तो आप यहाँ पर लाइव मार्केट में आएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, यहाँ पर आप सारे तरह के डाटा, आप ऑप्शन, फ्यूचर, जिसके भी डाटा यहाँ से ट्रैक करना चाहते हैं, सारे डाटा यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, कौन से स्टॉक्स लगा रहा है, तो उस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं 52 वीक हाई लो, आपको सारे स्टॉक्स यहाँ आ जाएंगे जो 52 वीक हाई और 52 वीक लो पे है। यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक हाई स्टॉक्स है, आप क्लिक करेंगे तो 52 वीक लो पर मात्र ये देख सकते हैं 5 स्टॉक्स है। तो इस तरह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए, यह क्योंकि यहाँ पर जो डाटा मिलेगा आपको बिल्कुल रियल डाटा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।